भोजपुरी लोक गीतों में अनेक विधाएं हैं और उसी विधाओं में से एक विधा आती है देवी गीत भजन, और इसी देवी गीत में आता है पचरा। आमतौर पर पचरा माता का आह्वान के लिए किया जाता है, मतलब माता को बुलाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कलश स्थापना हुआ तो उस वक्त देवी का आह्वान किया जाता है और बड़े ही मनोयोग से किया जाता है, उसे कहते हैं देवी का आवाहन, देवी को बुलाया जाता है। तो उसमें ये पचरा की विधा की जाती है। महिला या पुरुष दोनों माता को अपने घर में बुलाने के लिए पचरा गाते हैं। चूंकि पचरा में माँ और भक्तों के बीच सीधा संवाद होता है, जिससे माता प्रसन्न होती हैं। पचरा बहुत ही हृदय विदारक और माँ की ममता को जगा देने में कामयाब होता है। इसलिए देवी मैया को प्रसन्न करने के लिए पचरा गाने का महत्व ज्यादा है। आने वाले 23 सितंबर को शुद्ध देशी ठेठ पचरा, मतलब देवी गीत, लेकर आ रही हैं मनीषा जी, जो गांव गांव घर घर में गाया जाता है। तो आखिर मनीषा जी का ये जो देशी पचरा है ये कैसा है, आपका भी मन कर रहा होगा सुनने का। तो चलिए आपको सुनाते हैं मनीषा जी का देवी का ये मशहूर पचरा, जिसे सुनकर आपका भी दिल गदगद हो जाएगा। तो सुनिए ये पचरा। We'll be right back.
सुना आपने कितना हृदय को छू जाने वाला और हृदय विदारक है। जी हाँ, माँ की जब आह्वान ऐसे हो तो फिर माँ का आना बिल्कुल तय है और माँ आने वाली है, क्योंकि बहुत ही जल्द नवरात्रों की शुरुआत होने वाली है। तो माँ सबके घर आए और बहुत सारा आशीर्वाद दें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया के लिए शशिप्रिया सिंह की रिपोर्ट।